फिल्म का नाम उलझ है लेकिन बिल्कुल भी उलझी हुई नहीं है, सीधी सीधी है। अपने नाम की जो है वो इज्जत नहीं रख पाती है वो। आप फिल्म देखकर बिल्कुल भी उलझ नहीं जाते हो और बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह, एक सुलझे हुए इंसान की तरह आप लोग समझ जाते हो कि फिल्म जो है वो बिल्कुल भी उलझी हुई नहीं। अगर हम लोग कहानी की बात करें तो जानवी कपूर यानी कि सुहाना भाटिया, उसको इंडियन डिप्लोमेसी में एक बड़ी सी पोस्ट मिल जाती है। परिवार में कई बड़े बड़े डिप्लोमेट है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो है वो नेपोटिज्म हुआ है। खैर इतना बड़ा सच बोल दिया वो भी फिल्म में, पता नहीं कैसे वो तो चलो ठीक है बात की बात है। लेकिन उनका एक एमएमएस बन जाता है और फिर शुरू होता है एज यूजुअल पाकिस्तान का एक एजेंट है जो ब्लैकमेल कर रहा होता है और फिर देश को बचाने की वही फिर किसी पीटी कहानी जो हम लोगों ने 4,200,000-300,000 सुन चुके हैं हम लोग। अगर आप मुझसे पूछे कि कैसी है फिल्म, तो ये फिल्म मुझे समझने में कुछ वक्त लगा। ये एक एमएमएस लीक की कहानी है या फिर एक स्पाई थ्रिलर या फिर क्या है ये मुझे खुद को पता नहीं चल रहा था। स्लो शुरुआत के बाद यहाँ पर एमएमएस वाला एक ट्विस्ट आता है और फिर आप इंतजार ही करते रहोगे कि यहाँ पर आप लोग कब उलझोगे। फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा बोर करती है और आप लोग बिल्कुल भी उसे झेल नहीं पाएंगे। वही पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दूसरी दुश्मनी, मतलब यार कब तक हम लोग ये अत्याचार सहेंगे। इतना अत्याचार तो यार पाकिस्तान की उनकी इकोनॉमी नहीं किया होगा जैसे कि ये हम लोगों को कहानी दिखाकर कर देता है। एंड में क्या होगा ये सब लोगों को पता ही है। जब जानवी के लिए फिल्म बनी है तो ऑफकोर्स जानवी तो जीतेगी ही जीतेगी और जानवी कपूर यहाँ पर जीत जाती है, लेकिन जो ऑडियंस है वो यहाँ पर फिर से एक और बार हार जाता है। अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें तो जानवी ने यहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है, लेकिन उनका जो किरदार है वो बहुत बुरी तरह से लिखा गया है। मेकर्स जो है वो उन्हें दिखाना क्या चाहते हैं, अगर डिप्लोमेट है तो क्या कुछ भी कर सकती है। वैसे एक बात कहना चाहूंगा कि जानवी कपूर ने यहाँ पर जो है वो हर एक शेड्स जो है उनके निभाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, जो उनके किरदार के जो शेड्स है वो। और अगर मेरे हिसाब से वो ऐसी एक्टिंग करती रही तो बहुत आगे बढ़ने के चांसेस है। गुलशन देवैया जो है वो यार इस फिल्म की जान है, मैं सच में बोलना चाहूंगा यार वो बहुत ही अच्छा एक्टर है। जानवी कपूर ने यहाँ पर हर एक शेड्स निभाने की कोशिश की है, हर एक किरदार के हिसाब से शेड्स निभाने की कोशिश की है। अगर वो ऐसी ही एक्टिंग करती रही तो एक बार बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस बनने के चांसेस है। गुलशन देवैया जो है वो इस फिल्म की जान है यार। ये शख्स जो है पर्दे पर मासूमियत के बाद जो एक खौफ लाता है, जो एक डर लाता है, वो वाकई काबिले तारीफ। फिल्म में बड़े ही इंटरेस्टिंग की तरह यहाँ पर गुलशन जो है वो ट्विस्ट लाते हैं और मेरे हिसाब से वो एक विलन के तौर पर एकदम जचेंगे और उनको ये फिल्म के बाद काफी ऑफर्स भी आने वाली है और इंडस्ट्री को भी एक नया सा नायक मिल चुका है जो कि खलनायक के रोल में एकदम जचेगा। आदिल हुसैन के बारे में तो क्या ही बोलूं, वो है एकदम कमाल का एक्टर। राजेश तिलंग ने भी हमारे एक बार फिर से कमाल की एक्टिंग की हुई है। उनके कैरेक्टर के जो शेड्स है वो जैसे बदलते हैं वो भी एक बार देखने लायक है भाई। बाकी यहाँ पर सब कलाकार जो है एकदम शानदार है। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो सुधांशु ने ये फिल्म डायरेक्ट की है और उनका काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। वो इतने सारे एक्टर्स को यहाँ पर ढंग से यूज नहीं कर पाए। उन्होंने ये परवेश शेख के साथ जो है वो फिल्म लिखी हुई है, उन्हें ये फिल्म का नाम उलझ रखने से पहले ये समझ लेना चाहिए था कि वो किससे उलझा रहे हैं, क्या वो दर्शक यानी कि ऑडियंस को उलझा पाएंगे। अभी ऑडियंस इतनी समझदार तो हो चुकी है कि वो खुद डिसाइड कर ले कि ये फिल्म जो है वो देखने लायक है या फिर नहीं, अच्छी है या फिल्म। कुल मिलाकर ये फिल्म जो है वो एवरेज है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ये फिल्म आप लोग जरूर देख सकते हो। बाकी ओवरऑल ये फिल्म को मैं चाहूंगा 5 में से 3 स्टार। तो चलो यार यही था मेरा आज का रिव्यू उलझ मूवी के ऊपर जो कि आपके थिएटर्स में स्ट्रीम कर रही है। क्या आप लोग ये मूवी देखने जाओगे या फिर ओटीटी का इंतजार करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।